हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, हमारे व्यूवर्स की डिमांड थी कि भाई आर्टरी, वेन और नर्व में अंतर बताओ कि ये क्या अलग अलग होती हैं, क्या साथ में एक साथ काम करती हैं, या क्या होता है ये अंतर, क्या होता है इनमें। कई बार हम सुनते हैं, तो देखते रहिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सबको पता होता है। जाहिर सी बात है, आपको पता हो सकता है, लेकिन कई लोगों को अंतर पता नहीं होता है। अगर आपको पता है तो आप भी देख सकते हैं, नहीं है तो पता आप जरूर से देखें। देखो भाई, क्या होता है आर्टरीज और वेन, हम हमेशा सुनते हैं किसी भी वीडियो में, किसी भी तरह के बुक्स में पढ़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आर्टरी और वेन को समझो पहले आप, नर्व को हम बाद में समझेंगे। आर्टरी और वेन और नर्व दोनों के दोनों अलग सिस्टम पर वर्क करते हैं, ठीक है। आर्टरी जो वेन होती है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग है, नर्वस सिस्टम का अंग है, पहला अंतर। अब ये आर्टरी वेन के अंदर भी अंतर होते हैं भाई। आर्टरी क्या करती है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहाता है। हमारे शरीर में जितनी भी नसें दिखती हैं आपको, ये दो तरह की है, एक तरह की नहीं है। एक आर्टरी कहलाती है और एक वेन कहलाती है। जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड बह रहा होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और जो वेन के अंदर होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। अगर आप शरीर पर देखें, यहाँ पर नीली नीली हरी हरी से दिखती हैं, वो वेन होती हैं, और जो अंदर होती हैं वो आपको महसूस नहीं होंगी, दबा के देखोगे तब महसूस होंगी, वो आर्टरीज होती हैं, ठीक है। उनके अंदर ब्लड ऑक्सीजन वाला होता है। तो क्या होता है कि हमारे जो दिल से निकलने वाली जो नलियां होती हैं, जो दिल से ब्लड निकलता है, जाहिर सी बात है ब्लड का काम है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, तो मतलब सब जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाना। तो जो दिल से लेके और ब्लड को लेके जा रही पूरे ऑर्गन तक, तो वो क्या कहलाती है, आर्टरीज कहलाती है। जो हमारे हार्ट से ब्लड को हर जगह पहुंचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। थोड़ी थिक होती हैं, मजबूत होती हैं, तो ये आर्टरीज होती हैं। और जो ऑलरेडी ब्लड बह रहा है सब जगह, और ये जो वेन्स होती हैं, ये सब ब्लड को इकट्ठा करके हमारे हार्ट तक पहुंचाती हैं। तो ये थोड़ी पतली होती हैं, नरम होती हैं। तो इनके अंदर जब ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये वेन्स हरे कलर, नीले कलर या डार्क रेड कलर की दिखती हैं। और इनके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर, तो ये थोड़ी ब्राइट रेड दिखती है, मतलब कि चमकीली रेड दिखती है, अगर देखने की कोशिश की जाए तो। जो आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, पल्स को आप चेक कर सकते हो, पल्स महसूस होगी। अगर आप दबा के देखोगे इस तरह से, तो आपको महसूस होगी दिल की धड़कन, लेकिन वेन्स में नहीं होती है। वेन्स को आप दबा के देखो, कुछ पता नहीं चलता। वेन्स के अंदर क्या होता है, वाल्व्स होते हैं, वेन जो वेन होती हैं, सिरा बोल सकते हैं या धमनी सिरा, ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। तो इनके अंदर क्या है, वॉल्व्स होते हैं। तो वॉल्व्स का काम क्या है भाई, आपके शरीर में वेन्स यानी पैर में वेन है, तो अगर उसको ब्लड ऊपर जाना है, तो उसके अंदर वाल्व होगा, तभी तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज ब्लड फिर से नीचे जाएगा। इसलिए वेन्स के अंदर ऊपर, मतलब कि हार्ट तक पहुंचाने के लिए वेन्स, सब वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं, लेकिन आर्टरी के अंदर नहीं होते। इसलिए क्या होता है कि आर्टरी के अंदर जो भी ब्लड बह रहा होता है, वो फास्ट होता है, बहुत स्पीड के साथ बहता है, और वेन्स के अंदर बहुत स्लो बहता है। यहाँ पे एक और अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि भाई वीडियो तो थोड़ा लंबा करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए अच्छा लगेगा आपको। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, आर्टरीज खाली हो जाती हैं, आर्टरी के अंदर जो ब्लड बह रहा होता है वो खाली हो जाता है, मतलब वो पिचक जाती हैं। और जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर ब्लड भर जाता है, इसलिए थोड़ी वो फूल जाती हैं, क्योंकि वेन का काम कुछ है ही नहीं है, उसको तो सिर्फ खाली ब्लड को लेकर हार्ट तक जाना था। अब ब्लड हार्ट ही काम बंद हो गया, तो जा नहीं पाएगा, तो वेन्स फूल जाती हैं। तो ये एक और अंतर होता है, आप याद रखना। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर नर्व्स की, तो देखो भाई आर्टरी वेन बिल्कुल अलग है, वो सिस्टम ही अलग है। अब नर्व जो होती है, नर्वस सिस्टम का भाग होती है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम। न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन क्या होता है, एक सेल होती है, सेल्स तरह तरह की होती हैं, तो ऐसे न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन सेल क्या होती है भाई, ये जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं, इनके बंडल्स ऑफ फाइबर्स बन जाते हैं, तब एक नर्व बनती है। ये नर्व क्या होती है, हमारी बॉडी में हर जगह फैली होती है, बोल सकते हैं आप केबल्स बिछी हुई है हमारी बॉडी के अंदर, केबल्स बोल सकते हैं। ये केबल्स का काम क्या है भाई, करंट को लेके जाना, करंट तो नहीं होता, इम्पल्स को लेके जाना। ये ट्रांसफर करते हैं क्या, इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं हमारी बॉडी में निकलते हैं, इनका काम क्या होता है भाई, सेंस करना या किसी चीज़ को काम करने में मदद करना, मसल्स को एक्टिवेट करना, मसल्स को डीएक्टिवेट करना। सपोज मेरा हाथ ये हो रहा है, तो मेरे ब्रेन से सिग्नल जा रहा है नस के द्वारा, तो जो पूरे फैली हुई है, बिछी हुई है केबल्स बहुत बारीक बारीक, तो अगर मैंने सोचा ये उंगली ऐसी हो, तो ये होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं, फिर नर्व बनती है, एक नर्व बनती है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए मान सकते हैं साइटिक नर्व होती है, तो
तो ऐसी नर्व्स होती हैं, ये इनका काम ब्लड से नहीं है, ब्लड इनमें नहीं बहता, इनका काम खाली ये है कि ब्रेन के सिग्नल्स को, इम्पल्स को लेके जाना हमारे हर एक ऑर्गन तक। सपोज कोई व्यक्ति का तवे पे हाथ पड़ जाए तो वो तुरंत हाथ को हटाता, वो क्यों हटाता है, क्यों भाई यहाँ पे स्किन के अंदर क्या होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ये सेंस कर लेते हैं भाई ये चीज़ हॉट है, तुरंत सिग्नल जाता है ब्रेन को, ब्रेन तुरंत हाथ हटाता है, सोचना नहीं पड़ता आदमी को। तो खैर ये नर्व्स अलग चीज़ होती है और आर्टरी वेन अलग चीज़ होती है, ठीक है। सो ये न्यूरॉन्स से मिलके बनती है नर्व्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक नर्व बन जाती है। आर्टरीज और वेन्स मैंने आपको बता ही दिया भाई, आर्टरीज और वेन्स का काम है ब्लड को लेके जाना लाना, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों इनके बीच में अंतर। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, नए चैनल पर तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।